अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स अप। तो आज इनके बॉक्सेस लगाने लगा और बॉक्सेस जी ये पाँच मेरे पास मौजूद हैं, थोड़े से रिपेयर होंगे और ये पाँच में से बुरादा कितना निकला ज़रा आप ये देखें। ये पूरी बाल्टी भर के इसमें से बुरादा निकल गया है। इसके ऊपर मैंने ये मैट इसलिए रखा था कि हवा की वजह से उड़े ना। अच्छा, अभी क्या करना है जी, ये बॉक्सेस साफ़ कर दिए हैं। साफ़ करने के बाद अभी इनके अंदर कॉपेक्स पाउडर डलेगा और उसके बाद अभी थोड़ी हवा लगने के लिए मैंने छोड़ा हुआ ताकि गंदगी सारी स्मेल वगैरह निकल जाए। उसके बाद इसमें बुरादा डालेंगे। अच्छा, बुरादा बारीक मोटा मिक्स करके डालेंगे। अरे यहाँ पे जी चिल्लाना ही शुरू हो गए माशाल्लाह से जी। ये हमारे पेयरिंग हमने कर ली है अलहदा अलहदा और बॉक्सेस इंशाल्लाह भी इन वाले केजेस को आज दे देंगे और बाकी वालों को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पेयर बनता रहेगा उनको निकालते रहेंगे। तो माशाल्लाह से खूबसूरत सेटअप हो गया। तोते बड़े बड़ा खूबसूरत तरीके से एडजस्ट हो गए। माशाल्लाह से आप साइज़ देख सकते हैं परिंदों का, ये देखें माशाल्लाह। हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और साथ ही साथ खुशबाश हैं। ये तारें इसकी टेढ़ी हो गई हैं पीछे से शायद। खैर जी, अब इंशाल्लाह बॉक्सेस लगाते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, कॉपेक्स बेहतरीन करके पाँचों डब्बों पर मार दिए हैं। भाई छोटी सी एक बात बोलूँगा कि जब भी कॉपेक्स मारा करें, अव्वल तो देखें कॉपेक्स ऐसे मारें कि नीचे का पूरा जो इसका बेस है उसे कवर कर लिया करें और साथ ही साथ ये साइडों पे, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े जो आपके घुसते हैं ना जी और चिमड़ते हैं, ये तो साइडों पे भी चमड़े होते हैं। खैर, ये तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया डब्बा। अभी ये इस पर लकड़ी लगा के इसको लगाते हैं। अभी फ़िलहाल तो इसी का जुगाड़ करेंगे, पाँच यूज़ हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह नए लेके आएंगे। तो जी ये डब्बों को कॉपेक्स डालने के तकरीबन पाँच मिनट तक एक रूटीन रखती है। पाँच मिनट तक इनको हवा लगने देता हूँ और पाँच मिनट तक इनको छोड़ देता हूँ। उसकी वजह क्या है, आपको ये बारीक कीड़े दिख रहे होंगे, ये वो कीड़े हैं जो इंसानी आँख से भी दिख नहीं रहते। अच्छे से कॉपेक्स मारे हुए इनको हो गए पाँच मिनट। पाँच छः मिनट अगर आप इनको रख दो तो जो एक आधा कीड़ा बच जाता है या कोई मसले के मतलब है, अगर कोई जरासीम या कोई चीज़ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं तो वो मर जाते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा बुरादा डालेंगे, उसके अंदर कॉपेक्स मिला के पहले बुरादा डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा आधे आधे इंच का, फिर उसके बाद हम इसमें प्रॉपर अपना सूखा बुरादा डालेंगे तो ये डब्बा हो जाएगा हमारा तैयार। इसको थोड़ा सा अभी सेट करते हैं और इसको भी सेट करना पड़ जाएगा। ये हाल होती है, ये हाल होता है कॉलोनी में। खैर जी, चलें इसको चेंज करते हैं फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। अच्छा जी, डब्बे भरना शुरू कर दिए हैं। तरीका क्या है, वही 10-15 मिनट इनको छोड़ दिया था, बिल्कुल सूख चुके हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालता हूँ बारीक बुरादा। ये बारीक बुरादे की तीन मुठियाँ, एक दो तीन। अच्छा, बुरादे दो तरह के होते हैं, एक होता है नरम लकड़ी का, एक होता है मोटी लकड़ी का। मोटी लकड़ी का थोड़ा बड़ा होता है, वो होता है कुछ इस तरह का, सूखा होता है और बड़ा होता है। ये देखें, ये इसमें बड़े छोटे पीस मिक्स होते हैं, ये मादी ख़ुद पीसती भी, और ये इस तरह का दरमियाने साइज़ का होता है। ये होता है बिल्कुल बारीक लकड़ी का। इसको एक तय नीचे बिछाइए और दो दो तय इसकी, तीन तय मतलब नीचे बिछा दिए और तकरीबन इतना ही बिल्कुल टॉप पे बिछाऊंगा बिल्कुल एंड में, और बीच में जो एरिया हमारा कवर होगा वो होगा मोटे थोड़े बाजरे से, और ऊपर जो लेयर होगी जो अंडे फाइनल होंगे वो हमारी लेयर होगी मिक्स की। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बड़ा बेहतरीन किस्म का इनका नरम सा करके गद्दा बनाते हैं ताकि देखो अंडे, ये अगर मैंने पूरा यही डाल दिया, ये इतना नरम है इसमें अंडे दब जाएंगे। ये देखें जी, कीड़ा निकल रहा था, मार दिया इसको। अगर हमने फुल भर दिया, सिर्फ यही यूज़ किया, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता, बहुत नरम है, अंडों के लिए बेहतरीन है, गर्माइश में बेहतरीन है, लेकिन इसको अगर हम फुल भर देते हैं तो इसमें अंडे दब जाते हैं, इसमें बच्चे दब जाते हैं, मर जाते हैं, ये मसला। तो इसलिए नरम पैक हम लगाते हैं नीचे। इसके बाद अब जो तय लगेगी वो लगेगी मोटी वाली, और उसके बाद जो तय लगेगी वो लगेगी हमारी मिक्स। अच्छा जी, अब लगाते हैं। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि लाजमी आपने यही लगाना है। मैं यूज़ करता हूँ तो मैंने आपको का बता दूँ आप बेसिकली क्या कर सकते हैं। आपको अगर बुरादा ये वाला नहीं मिलता तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लगाना ही लगाना। आप ये वाला बुरादा देखें, जैसा मैंने कहा था मिक्स होता, ये वाला बुरादा आपको कहीं से भी मिल जाएगा। जाएँ दो तीन थैलियाँ भर के ले आएँ। बेसिकली एक बुरादे के अंदर एक डब्बे में ये तकरीबन जाएंगी चार से पाँच मुठियाँ, एक दो, अच्छा दो और ये तीन, तीन डालने के बाद हल्का सा मैं हिला दूंगा इसे, ये हो गया थोड़ा सा मिक्स। देखें नरम पड़ गया। अब लगेगी इसमें एक और, ये हमारा यहाँ तक आ गया, हम तकरीबन ऑलमोस्ट ये भरने वाला। इसको जी हल्का सा किया मिक्स और ये हो गया सेट। इसमें डालेंगे एंड में
अच्छा आपने देखा होगा मैंने मिक्स ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा करना भी नहीं है इसको मिक्स। ये नहीं जी, ये बेहतरीन सा है, इनका नरम सा गद्दा तैयार है। अपनी मर्जी से अब इसको तोड़ फोड़ के तोड़ ताड़ के ये सेटिंग बना लेगी और ये हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह से, एक डब्बा रेडी। एंड में क्या करना है, ये हो गया मुट्ठी से, ये ऐसे उल्टा हाथ करना है और ऐसे आपने इसको प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करने के बाद ये आप हटा लेंगे, ये देखें आपको दिख जाएगा, खुद ही एक छोटा सा गड्ढा बन जाएगा जो कि बेनिफिशियल हो। अच्छा जी माशाल्लाह से डब्बे रेडी हो चुके हैं, ये इनके सुराख खुल दिए, अब इनको इनका प्रॉपर जिसे कहते हैं केज हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ दिखाता हूँ, पहले डब्बा लगा देते हैं, इससे पहले ये उड़ जाए। और ये हमारा डब्बा आया, ये लगा दिया हमने जी डब्बा माशाल्लाह से, थोड़ी सी इसकी लाइट जलाते हैं। अच्छा यार माशाल्लाह से देखो बॉक्स लग चुका है और बॉक्स बेहतरीन किस्म से एडजस्ट हो गया। ये अब केज पूरा इनका रेडी हो चुका है। ब्रीडर पेयर मेरा सबसे पहला पेयर है। अच्छा सबसे पहले दिखाता हूँ मैंने क्या किया है, ये देखें बुरादा आपको सब डब्बों में किस तरह का सबसे पहला सवाल आएगा कि यार ये कोने पे जो आपको पाउडर वगैरह जो नेस्टिंग मटेरियल है इससे कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं होता भाई। दूसरी चीज़ ये है कि नीचे हमने बारीक बुरादा डाला था, बीच में दरमियाना और ऊपर जो है वो मिक्स बुरादा है। इसमें दरमियाना भी है, मोटा भी है, पतला भी है, कुछ लकड़ी के टुकड़े भी अंदर हैं। तोती क्या करती है, आदत है उसकी, जब बैठेगी यहाँ पर अपनी जगह बनाएगी, कुतरेगी, उसके लिए बेहतर होता है। तो ये जी डब्बा हमारा लग गया, इसी तरह भी सारे डब्बे लगा के आपको दिखाता हूँ क्योंकि इनका सीज़न स्टार्ट है जी माशाल्लाह से। ये देखें ये मेरा पेयर इतना अभी हीट पे है कि यह डब्बा लग गया, इंशाल्लाह आपको अनकरीब ही मैं बता रहा हूँ कि इसने ब्रीड कर दी है माशाल्लाह से। ये अंदर जाएगा, देखेगा, अपनी एडजस्टमेंट करेगा और बुम। तो अभी सारे डब्बे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं फिर माशाल्लाह जी। ये फाइनल लुक लग रहा है केज का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बॉक्सेस लग चुके हैं और मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाऊं, खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा मेरे पास सिर्फ 5 बॉक्सेस मौजूद थे तो एक सीरीज से हमने लगाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। एक पेयर हमारे पास बच गया है, इसका भी लगेगा और एक बॉक्स हम लगाएंगे उधर। उधर हम इसलिए लगाएंगे कि इससे अंदाज़ा हो जाए जो पेयर खुद से पेयर बना के ब्रीड करने की कोशिश करेगा वो सेपरेट होकर जाएगा। माशाल्लाह से ये सेटअप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तीन बैठे हैं। अच्छा इस तीन का मसला क्या है कि जी पेयर ये था लेकिन ये वाली जो फीमेल है इस फीमेल के साथ इसका जो मेल है इसका भी क्या कहते हैं एक दफा अंडे हो चुका है, तो इसको मैंने ये एक इजाज़त दे दी जी। एक मेल है, दो फीमेल है, जिसके साथ ये बासानी पेयर बना रहे हैं हम उसको रखेंगे, फिर दूसरे को हम किसी और के साथ लगा देंगे माशाल्लाह। अगर हम नीचे आते हैं तो ये देखें जी माशाल्लाह से खूबसूरत पेयर चेक करा, माशाल्लाह ये पेयर है। इसके लिए जी हमारा एक फ़ोन की मादी है और ग्रे का हमारा मेल है, इसका हमारा पेयर पड़ा हुआ है और इसकी हम इंशाल्लाह जल्द ही जल्द कुछ करेंगे। बाकी माशाल्लाह से ये चलता आ रहा है और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक सेटअप की अपडेट दे रहे हैं। इंशाल्लाह आपको वक्तन बवक्तन इसमें अंडे, बच्चे, बॉक्सेस, केजेस बहुत कुछ दिखने को मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी जी देखते रहें बर्ड्स। अब अल्लाह हाफ़िज़।